रिजॉर्ट जैसा लग रहा है यहाँ पे आना। तो गाइज मैं सोलर सिटी आ गई हूँ, आज है स्नैगिंग का दिन और चलिए दिखाती हूँ आपको कैसा है क्या है। तो गाइज ये देखिए, ये लोग सारे ऐसे एक लाइन में जा रहे हैं और इतना खूबसूरत लग रहा है। तो गाइज वेलकम टू माय चैनल अंजलीज फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज अभी आज हम लोगों को स्नैगिंग के लिए बुलाया है सोलर सिटी श्रीरामपुर देखने के लिए कि कैसा क्या हुआ है। फर्स्ट टाइम प्लेट देखेंगे तो अलग ही एक्साइटमेंट है। तो अभी जाके देखते हैं, देखते कि कैसा है। स्नैगिंग में क्लैरिटी मिल जाएगा, अच्छा बना है क्या बना है। सो गाइज मेरे पीछे देखिए छोटे छोटे क्यूट क्यूट आपको स्वान दिख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। गाइज इन लोगों को देखिए, इतने क्यूटली ये लोग चलते हैं और इतना प्याला लग रहा है, इतना वाइट, और देखकर मन खुश हो गया मेरा। और इनका एक्टिविटी जब भी मैं सोलर से आती हूँ ना, तो गाइज ये देखिए अभी मैं चल रही थी और ये देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा अभी इस तरीके का बन चुका है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो मुझे लगा कि चलिए आपके साथ भी ये चीज़ शेयर की जाए। और जब भी यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ पे जो ग्रीनरी होती है वो ग्रीनरी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और बुलाया है बट ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया वेट करते करते, तो जो टाइमिंग ये लोग बोले थे उस टाइम पे कुछ भी नहीं हो पाया। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, बस यही सोच रहे हैं कि अंधेरा ना हो जाए, अंधेरा हो जाएगा तो फिर वही एक दिक्कत है, बस अंधेरा ना हो जाए यही हमारे दिमाग में चल रहा है ताकि अच्छे से हम देख पाएँ। चलिए अंदर कब जाते हैं, जो भी मेरा फीडबैक होगा फ्लैट देखने के बाद आपको बताएंगे। तो गाइस फाइनली हमारा नंबर आ गया और मेरे चेहरे की आप खुशी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या हुआ है, किस तरीके का सारा काम हुआ है अब तक। तो फ्लैट के अंदर एंटर करेंगे, लेकिन फ्लैट के अंदर तो गाइस अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आपको मैं अंदर का कुछ भी दिखा पाती हूँ या नहीं। बिकॉज जहाँ तक है ये, मतलब अभी वीडियो वगैरह नहीं बनाना दे रहे ये लोग, तो जितना तक मैं बना पाऊँगी दिखा पाऊँगी वो सब आप देखना। तो ये देखिए ई टावर है हमारा, तो ई टावर से एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि उसका कुछ टेक्निकल फॉल्ट था लिफ्ट में, तो इसीलिए ये लोग ई के पीछे वाला जो टावर है वहाँ से हम लोगों का एंट्री करवा रहे हैं। और सारे बिल्डिंग आपस में कनेक्टेड हैं, तो लिफ्ट एक बिल्डिंग का यूज़ करके आप दूसरी बिल्डिंग में ईजिली जा सकते हो क्योंकि कनेक्टर वहाँ पर बना हुआ है। तो अभी हम लोग बिल्डिंग के अंदर घुस चुके हैं, तो गाइस इतना तो आपको मैं दिखा पा रही हूँ क्योंकि ये बाहर का हिस्सा है अंदर का नहीं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का है, अभी हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और ये है लिफ्ट। तो एक और फैमिली थी तो वो लिफ्ट से अभी ऊपर जाएंगे, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। तो गाइस हमने अपना फ्लैट देख लिया और मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं जब अंदर गई थी तो मेरा ध्यान था सारी प्रॉब्लम एरिया या जो भी है या क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा वो सब चीज़ों में, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया बिकॉज मैं शांति से उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहती थी। बट बहुत जल्दी जब चाबी मिलेगा, हैंड ओवर होगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लेकिन इतनी रात हो गई थी और आपको कुछ समझ में भी नहीं आता क्योंकि अभी रूम में लाइट नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।